الجهاد المسلمين نزار اللي سدد المسلمين نزار اللي سدد المسلمين نزار أحمد سليم برمن جرمان سليم برمن جرمان سليم برمن उधर आ जाओ उधर उधर आ जाओ उधर आ जाओ नहीं नहीं उधर आ जाओ आ जाओ उधर आ जाओ नहीं 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 भाई चिल्लो जी भाई चिल्लो भाई चिल्लो थोड़ा हटो भाई थोड़ा हटो भाई झंडा पीछे दे दो మణికొండ ల్యాండ్ పైన ఒక్కోటి చాలా నిర్లక్ష్యంగా వహించింది ఒక్కోటి నిర్లక్ష్యం వల్లే మణికొండ ల్యాండ్ మేము కోల్పోయామనేసి ఎంఐఎం కార్యకర్తలు అయితే ఒక్కోటి గుండ్రా ఏకంగా ధర్నా చేసిన పరిస్థితి కొంత మాట్లాడాలంటే రెహమత్ బే ఉన్నారు आज कल रात में शाही मस्जिद जो कि शमशा शामिल पेट में लैंड बराबर है और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मिलकर दोनों मिलकर ये मस्जिद को शहीद किए क्योंकि सदर मुहतरम मसीब मिलत अलहाज बैर शरफुद्दीन अवैसी साहब उत्तर प्रदेश में इलेक्शन में कंटिन्यू में है तकरीबन एक महीने से मगर जैसा सदर मुहतरम नूर को दिन को करा कल रात में मुझे सदर मुहतरम ने शामिल शाही मस्जिद बाद रवाना किए मैंने जाकर मस्जिद का मायना किया पूरी मस्जिद को जमीन दोस्त कर दी बुलडोजर लगा कर मस्जिद को तोड़ दिए फिर वे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ड्रामा कर रहे हैं कि हमारे को रोड वाइंडिंग में मस्जिद गई वहाँ पर रोड वाइंडिंग में बस्ती है बस्ती में गाँव है गाँव के अंदर मस्जिद है तो ये ऐसे नाहली के जवाब दे रहे चेयरमैन साहब उनके खिलाफ सदर मुहतरम की हिदायतों पर आज हमने धरना दे रहे हैं यहाँ पर क्योंकि एक बार जब मस्जिद बन जाती है तो ताक़यामत तक मस्जिद रहती है ऐसा मस्जिदों को लैंड ग्राबरों से मिल के ये वक्फ बोर्ड के सही जो चेयरमैन है उनकी तरफ से ये मस्जिदों को छोड़ा जा रहा है और वक्फ बोर्ड के जमीनों को लैंड गिरावट हमला करके खुलेआम बेच रहे हैं रमन साहब देखिए मस्जिद को शहीद हो गई आप बनाने की मांग कर रहे हैं धरना भी कर रहे हैं दूसरी तरफ कोर्ट की लापरवाही की वजह से मणिकोंडा की लैंड बिक रही है इसके बारे में आप क्या कहेंगे इसके ऊपर हमारे पार्टी के सदर मोहतरम आज कहा से बात कर रहे हैं और मैं आज आने का मतलब यही है कि इतनी बड़ी मस्जिद जो शहीद किए हैं 400 साल मस्जिद को उसमें सदर मुहतरम की हिदायत थी कि एहतजाज करना वक्फ बोर्ड पर जाकर बोल के तो आज मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ और मैं यही बोल रहा हूँ कि एक मिनट भी वक्फ बोर्ड की जो सदर नशीन की सीट के ऊपर सलीम साहब को बैठने का इख्तियार नहीं है क्योंकि उन्होंने नाहिल हो चुके हैं उनकी नाहिली की वजह से आज मणिकुंडे का भी जो बोल रहे हैं वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन की नाहिली की वजह से जो कि हाई कोर्ट में वक्फ बोर्ड केस जीते बाद सुप्रीम कोर्ट में कैसा हारता ये वक्फ बोर्ड की बहुत बड़ी नाहिली है एक मिनट भी वक्फ बोर्ड का चेयरमैन सलीम सीट पर नहीं रहना क्योंकि इनो बिजनेस मैन है एक और इनो बहुत बड़े लाइन ग्राफर है इनकी वजह से आप देखिए इनकी इनका इससे पहले भी उन्होंने जब चेयरमैन थे पीडीपी गवर्नमेंट के टाइम पे कई वक्फ बोर्ड के ज़मीनों को इन्हों खाए और आज बड़े बड़े बातें करते चेयरमैन साहब आज कल रात में जो मस्जिद को शहीद किया गया उसके जिम्मेदार वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सलीम है अनेक तरह लोग
पांच मिनट के बाद वीडियो।